अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लिंक बजट की कैलकुलेशन है और प्रोटेक्शंस हैं, ठीक है। विल मूव फॉरवर्ड विद दैट आल्सो। सबसे पहली बात है कि लिंक का बजट किस तरह से किया जाता है। आपको इस वक्त ये क्लियरली नज़र आ रही है स्क्रीन, लिंक बजट लिखा हुआ है जिस पे? यस सर। अच्छा, जब हम किसी ऑप्टिकल फाइबर के लिंक का बजट बनाने लगते हैं तो दो चीज़ों को हमने उसको टेक केयर करनी होती है। पहली तो चीज़ है अटेन्यूएशन, ठीक है। अटेन्यूएशन का ताल्लुक प्योरली पावर के साथ है। क्या आपने एक पावर जो है वो थ्रू की है यूजिंग एन ऑप्टिकल सोर्स इनटू द ऑप्टिकल फाइबर, और वो कितने फासले तक ये पावर जो है वो सस्टेन करेगी, और क्या वहाँ पर अगर किसी एंड पॉइंट के ऊपर अगर हम रिसीवर लगा दें तो वो रिसीवर इस पावर को रिसीव कर पाएगा, यानी कि उसको डिसाइफर कर पाएगा कि ये वन है कहाँ पे और कहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। ये देखना ज़रूरी है। अब यानी कि दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। एक तो अटेन्यूएशन की बात हो गई जैसे मैंने कहा, और दूसरी होती है डिस्पर्शन की, क्योंकि आपको पता है आपने जब वो डिस्पर्शन को स्टडी किया था तो आपने देखा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, जिसको कि एक लाइट के मतलब सिग्नल ने कवर करना है, तो उसमें डिस्पर्शन भी बढ़ती चली जाती है, चाहे वो जिस किस्म की भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर हो या जिस तरह की भी डिस्पर्शन को आप देख रहे हैं, वो डिस्टेंस के साथ बढ़ती चली जाती है। आपको याद होगा कि आपने जो भी फॉर्मूलाज देखे थे और उसमें आपने डी ऑफ लैम्डा इनटू डेल्टा लैम्डा इनटू एल किया था। एल वाज द लेंथ दैट इज ट्रेवर्स्ड बाय द सिग्नल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो कवर्ड है, उसके ऊपर डिस्पर्शन भी डिपेंड करती है। यानी कि एक तो डिस्पर्शन हो गई और एक अटेन्यूएशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने टेक केयर करना होता है जब भी एक लिंक का बजट बना रहे हो। लिंक का बजट है क्या? हमने ये देखना है कि जो सिग्नल जनरेट हुआ है एक ऑप्टिकल सोर्स से और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वो कितना एंटर हुआ, ठीक है। वो सारा का सारा तो एंटर नहीं हो पाता, वो डिपेंड ये करता है कि इसकी जो है न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो सिग्नल एंटर हो गया ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ऑप्टिकल फाइबर में पर यूनिट लेंथ अटेन्यूएशन क्या चल रही है, और फिर उसके बाद इसके अंदर कितने स्प्लाइस आ रहे हैं, कितने फ्यूजन हीट स्प्लाइस आ रहे हैं या हीट फ्यूजन स्प्लाइस आ रहे हैं, ऑल्दो कि वो थोड़े बहुत कम अटेन्यूएशन इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 डीबीस तक की अटेन्यूएशन एक स्प्लाइस करता है, लेकिन नंबर ऑफ स्प्लाइसेस ऑलरेडी आपके लिंक में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1000 मीटर्स के बाद एक स्प्लाइस आता है, ठीक है, तो और आपका लिंक फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर का है, तो फिर देखिए बीच में स्प्लाइसेस की क्या तादाद होगी। उसमें 10 माइनस 1 यानी कि 9 स्प्लाइसेस बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 9 स्प्लाइसेस हैं, और एक स्प्लाइस अगर 0.2 डीबीज की अटेन्यूएशन कर रहा है,
तो ये टोटल कितने हो गए, 1.8 dBs की इसमें टेंशन। अब जब भी आप कम्युनिकेशन का नेटवर्क के बिछाते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का, तो उसके अंदर बहुत सारे कनेक्टर्स आते हैं। कुछ तो डायरेक्टली उस एंड सिस्टम का कनेक्टर हो सकता है, जो कि एक ऑप्टिकल फाइबर के सिस्टम्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ दे आर सम काइंड ऑफ अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, तो किसी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर जब भी पैचिंग होती है तो एक कनेक्टर के जरिए पैचिंग होती है, स्टार्टिंग एंड के ऊपर भी और रिसीवर एंड के ऊपर भी, यानी सोर्स एंड के ऊपर भी और रिसीवर एंड के ऊपर भी, दोनों जगहों पर कनेक्टर्स आप लगाते हैं। तो ये जब भी आप कनेक्टर्स लगाएंगे तो वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ अटेन्यूएशन जो है वो इनकर करेंगे, और ये अटेन्यूएशन कितनी होती है, ये नॉर्मली स्प्लाइस की नस्बत ज़्यादा होती है। अगर स्प्लाइस आपकी 0.1 या 0.2 dBs तक की है, तो एक कनेक्टर के ऊपर जो आपको मिल रही है अटेन्यूएशन, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 dBs। अगर दो कनेक्टर्स हैं, एक रिसीवर एंड के ऊपर और एक सोर्स एंड के ऊपर, तो इन दोनों की वजह से जो अटेन्यूएशन आ रही है वो 1 dB होगी, 0.5 ऑन द रिसीवर साइड एंड 0.5 ऑन द सोर्स साइड। इसी तरह से अगर ये इस तरह से हो कि बीच में किसी रीजनरेटर स्टेशन से गुजर रहा है, बीच में किसी एम्पलीफायर से गुजर रहा है, तो एम्पलीफायर के साथ अगर कनेक्टिविटी ओवर अ कनेक्टर है, तो दो कनेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से एम्पलीफायर के अलावा ये हो सकता है कि डायरेक्टली आके जो कनेक्टिविटी है वो एक किसी फ्रॉम द यू नो मल्टीप्लेक्सर एंड, अगर कनेक्टिविटी आगे कनेक्ट आगे पहुंच रही है एक ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में, तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम में एक और आपको कनेक्टर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, और वो ऐड होगा दोनों तरफ। तो जितने कनेक्टर्स बीच में आ जाएंगे लिंक के अंदर, उतनी दफ़ा आपको एक कनेक्टर का अप्रॉक्सीमेट जो अटेन्यूएशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ 0.5, तो और फॉर एग्जांपल बीच में चार कनेक्टर्स आ रहे हैं, तो 0.5 इंटू 4 दैट वुड बी 2 dBs ऑफ अटेन्यूएशन, तो 2 dBs की अटेन्यूएशन उसमें आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर, एक तो आपने स्प्लाइस की वजह से, एक आपने कनेक्टर की वजह से ले लिया, और एक लेंथ जो ट्रैवर्स किया है सिग्नल उसकी वजह से जो लिंक के अंदर जो अटेन्यूएशन आ रही है उसको आप ऐड कर रहे हैं। ये जितनी भी एडेड अटेन्यूएशंस हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा जमा कर लेते हैं, और जो सोर्स है आपकी उसकी पावर में से इसको माइनस किया जाता है। अगर एक नॉर्मल सी सोर्स आप ले लेते हैं जो कि 0 dBm लेज़र सोर्स है, 0 dBm लेज़र सोर्स का मतलब है कि 1 mW की सोर्स है, 1 mW की सोर्स, तो 1 mW का मतलब 0 dBm की सोर्स है, और बीच में आपकी जो अटेन्यूएशन होती चली जा रही है, फॉर एग्जांपल वो 12 dBs की अटेन्यूएशन हो गई, और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, आपका सिग्नल अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा, तो इसका मतलब है कि आप ये जो डेस्टिनेशन पे आपका सिग्नल पहुंचा है 0-12 विच इज -12 dBm सिग्नल पहुंच रहा है। इस पहुंचने वाले सिग्नल की पावर जो है वो -12 dBm है।
अब अगर आपके रिसीवर की सेंसिटिविटी -12 dBm से कम होगी, यानी कि -12 की बजाय -13 हो, -14, -15 एंड सो ऑन, अगर इस तरह कम से कम उसकी जो सेंसिटिविटी होगी रिसीवर की, तो सिग्नल बहुत आसानी से रिकवर हो जाएगा और उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पर आप भेजने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर सिग्नल जो है वो रिसीवर की सेंसिटिविटी से कमज़ोर हुआ या सेंसिटिविटी जो है वो रिसीव सिग्नल से ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल रिसीव सिग्नल अगर -12 dBm पहुंच रहा है और रिसीवर की सेंसिटिविटी -11 dBm है, तो सिग्नल रिकवर नहीं हो सकेगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें एक ऑप्शन फिर ये ले ली जाती है कि फॉर एग्जांपल एक जो पिन डायोड होता है उसकी एक नॉमिनल जो सेंसिटिविटी होती है, पिन डायोड इज़ अ रिसीवर, जैसे कि हमने कुछ अर्सों पहले इसको हमने स्टडी किया था। तो अगर उसकी सेंसिटिविटी अप्रॉक्सीमेटली -23 dBm है, ठीक है, और हमारा जो सिग्नल पहुंच रहा है वो -23 से भी कमज़ोर सिग्नल पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल द सिग्नल दैट रीच्ड द रिसीवर एंड वाज -24 dBm, तो इस केस के अंदर हमारा ये जो लिंक है ये काम नहीं करेगा, सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो रिसीवर है इसको रिप्लेस कर दें। ऑल्दो के कुछ और तरीक़ाकार भी हैं, लेकिन पहला काम जो है वो ये है कि आप रिसीवर को रिप्लेस कर दें फ्रॉम अ पिन डायोड टू एन APD, एवलॉन्च फोटो डायोड आप लगा दें। एवलॉन्च फोटो डायोड लगाएंगे तो आपका जो इसकी सेंसिटिविटी होती है -32 dBm, इस केस में जो भी सिग्नल आएगा वो इजीली कैच कर लेगा और उसको डिसाइफर कर लेगा, क्योंकि अगर -24 ना होती, -25 dBm, -26, -27, -28, -29, -30, -31 dBs तक होती, तो इसको वो आसानी से कैच कर लेता और उसको रिकवर कर लेता सिग्नल ऑन APD, ठीक है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी -32 तक। तो यानी कि ये एक और तरीक़ाकार है जिससे आप अपने लिंक के बजट को फिर एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। तो एक तो हम इस टॉपिक के अंदर हम ऑप्टिकल नेटवर्क्स को देखेंगे, फिर लिंक बजट की कंसिडरेशंस को देखेंगे। ऑप्टिकल नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, व्हाट इज एन ऑप्टिकल नेटवर्क, इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर एक अहम चीज़ है जिसको आप स्टेशन कहते हैं। स्टेशन वो डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए से नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। एक टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो एक कॉपर नेटवर्क के अंदर, एक वॉइस के नेटवर्क के अंदर एक स्टेशन का दर्जा रखती है। अच्छा, अब लेकिन उस टेलीफोन एक्सचेंज को, या अगर उसके मुकाबले में हम एक डेटा सेंटर को ले लें, तो डेटा सेंटर भी एक स्टेशन है, लेकिन इस
डेटा सेंटर को या टेलीफोन एक्सचेंज को कनेक्ट किसके जरिए किया जाता है? एक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जो स्टेशंस हैं जिनमें एक्सचेंजेस हो सकती हैं, इसमें डेटा सेंटर्स हो सकते हैं, या कुछ जगहों पर ऐसा या जो कन्वेंशनली क्या होता है कि आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर के स्टेशंस होते हैं जो बेसिकली एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, उनको भी आप स्टेशंस कह सकते हैं। एक जगह के एक मुल्क के बहुत सारे स्टेशंस की जो कलेक्शन है इकट्ठे आपने रखे, उनको कनेक्ट किया हुआ है आपस में एक नेटवर्क के जरिए, तो उसको हम ऑप्टिकल नेटवर्क बोलेंगे। दैट इज नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेशंस। उनकी आपस की कनेक्टिविटी जो है वो एक लाइन की सूरत में भी हो सकती है, एक रिंग की सूरत में भी हो सकती है, वो किसी मैश की सूरत भी हो सकती है, वो स्टार की सूरत भी हो सकती है, ठीक है। आई होप इन अल्फाज को थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करेंगे कि कनेक्टिविटी बहुत सारे स्टेशंस की आपस में एक लाइन की सूरत में, या जिसको हम बस की कनेक्टिविटी कहते हैं उस सूरत में हो सकती है, एक रिंग की सूरत में हो सकती है, स्टार की सूरत और मैश की सूरत में हो सकती है। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक या उससे ज्यादा कम्युनिकेशन लाइन आके टर्मिनेट हो रही, उसको नोड भी बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक या एक से ज्यादा कम्युनिकेशन लाइंस आके टर्मिनेट होती उसको हम नोड बोलते हैं, नोड। अच्छा, इसी तरह ट्रंक इज अ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रंक भी एक ट्रांसमिशन लाइन है, बट इट सपोर्ट्स लार्ज ट्रैफिक लोड्स। जैसा कि अगर जिन लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का कोर्स पढ़ा था, मोस्टली बच्चों ने पढ़ा है लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो एक्सचेंजेस के दरमियान में जो लिंक्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं उनको ट्रंक्स बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ये लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक लोड्स को कैरी करने के लिए एक काम आता है, ठीक है। यानी कि एक ट्रंक के ऊपर एक वॉइस चैनल या एक डाटा कम्युनिकेशन का चैनल नहीं चल रहा, इसके ऊपर बहुत सारे वॉइस चैनल्स या बहुत सारे ये डाटा चैनल जो हैं वो काम कर रहे हैं। Topology is the logical manner in which nodes are linked together by information transmitting channels to form a network. वो जो मैंने बात की थी ना कि एक बस की सूरत में सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सम ऑप्टिकल फाइबर, या एक रिंग की सूरत में है, या स्टार की सूरत में है, या मैश की सूरत। ये जो इसकी सूरत है, इसकी जो शेप है, इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कुछ स्टेशंस हैं या यूजर्स हैं, ऑप्टिकल एक नेटवर्क है जो कि एक डाटा कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहा है। इसमें कुछ स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ राउटर्स लगे। जब आप एक डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को देख रहे होते हैं तो राउटर्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को कैटर करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स आके राउटर्स के ऊपर टर्मिनेट होते हैं, फिर लोकली आपका जो राउटर है वो स्विचेस के साथ कनेक्ट होता है, और स्विचेस के साथ फिर आगे स्टेशंस कनेक्ट होते हैं। स्टेशंस यानी कि यूजर्स के आगे जाके कनेक्ट होते हैं। जैसे इसमें आपको दो नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं और ये दो नेटवर्क्स आपस में
राउटर्स के ऊपर कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रंक्स, और दोनों एंड्स के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ स्विचेस मौजूद हैं, और ये स्विचेस का अपना नेटवर्क जो है वो राउटर के साथ कनेक्टेड है। इन स्विचेस के जरिए इनकी आपस की कम्युनिकेशन इन यूजर्स की तो हो सकती है। इसके अलावा अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक की अगर कम्युनिकेशन करनी है, दैट वुड ऑल्सो बी डन थ्रू दीज स्विचेस एंड देन टू द राउटर्स, टू देयर रिस्पेक्टिव राउटर्स, एंड फ्रॉम द राउटर्स थ्रू ट्रंक्स टू द राउटर ऑफ द अदर नेटवर्क, एंड फ्रॉम दैट राउटर टू द स्विचेस ऑफ दैट नेटवर्क, एंड फ्रॉम द स्विचेस इट वुड द सिग्नल वुड गो टू द to the stations or the users. इसमें एक और टोपोलॉजी है जिसको आप ट्री टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हब और द स्टार टोपोलॉजी, फिर उसके बाद मैश टोपोलॉजी भी हो सकती है, और एक होती है ट्री टोपोलॉजी। तो जब ऑप्टिकल नेटवर्क्स को आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक तो ट्री टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। वैसे आप उसको मैश की सूरत में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसे हब की सूरत में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब आप कमर्शियली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं तो आप ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी को फॉलो करें। ट्री टोपोलॉजी कैसी होती है, इसकी मदद, ये ऐसी टोपोलॉजी है जो कि बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकती है। आपने एक ट्री नेटवर्क बनाया और स्टार्ट आपने बेसिकली उसको एक हब की सूरत में किया, अब उस हब की एक स्पोक के एंड के ऊपर आप एक और हब बना लें, अब वहाँ से फर्दर आगे कम्युनिकेशन कर लें, उसकी अपनी स्पोक्स बना लें, उन स्पोक्स में से किसी एक के ऊपर या मल्टीपल के ऊपर फर्दर और हब्स लगा के फर्दर और स्पोक्स बना लें, दैट वुड बी अ ट्री टोपोलॉजी। इसमें हर सेगमेंट जो होता है वो पैसिव स्प्लिटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, सो द ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स एंड द टोपोलॉजी हैव द लीस्ट डिले इन डेटा रिसीविंग एज कंपेयर्ड टू अदर टोपोलॉजी। एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर जो इनहेरेंट जो उसका डिले है वो सबसे मिनिमम हो। अगर एक सेगमेंट फेल हो जाए तो बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, एंड इट इज यूज्ड मोस्टली इन द शेयर्ड पैसिव ऑप्टिकल डेटा नेटवर्क्स। पैसिव नेटवर्क्स के अंदर इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पैसिव स्प्लिटर लगा हुआ है जो कि कनेक्ट कर रहा है एक ओएनटी को मल्टीपल ओएनटीज के साथ। ओएनटीज को आप ओएनयूज भी बोलते हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट्स या ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स, बोथ आर वन एंड द सेम। अगली टोपोलॉजी आ जाती है बस टोपोलॉजी। इट इज इजी टू डिप्लॉय एंड एक्सपेंड एंड रिक्वायर्स लीस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। इसमें ऑप्टिकल फाइबर की जो लेंथ है ये सबसे कम चाहिए, इस वजह से ये चीप टेक्नोलॉजी, बट इट इज ओनली एफिशिएंट फॉर स्मॉल नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल लैंस। इसकी एक वैसे एग्जाम्पल जो है जो कोएक्सियल केबल में, वो 10 बेस टी की है।
NBASE-T is the base, is one of the basic LAN topologies or LAN structures and use structures using copper cable, जो कि नॉर्मली कोएक्सियल केबल इस्तेमाल किया करता था, और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर आगे आगे जा रहा है और यूजर्स आ रहे हैं तो उसमें प्रॉपर एक टी लग जाती थी इस कोएक्सियल केबल के एंड के ऊपर, जो कनेक्टर था वो एक टी में लगता था और टी से ब्रांच आउट हो जाता था एक और कोएक्सियल केबल, और वो ऑप्टिकल फाइबर वो एक कंप्यूटर के अंदर उसके लैन कार्ड के अंदर कोएक्सियल पोर्ट के ऊपर टर्मिनेट हो जाता है। और नॉर्मली ये टर्मिनेशन जो थी ये एसटी कनेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। एसटी कनेक्टर उस तरह का कनेक्टर होता है जैसे कि आपने ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स का टर्मिनल देखा होगा। ये टोपोलॉजी सबसे चीप है, ठीक है, क्योंकि चीप होने की वजह है कि इसमें जो ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द फाइबर लगेगी या लेंथ ऑफ द केबल लगेगी दैट वुड बी द लीस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ओएलटी है, इसकी एक लाइन के ऊपर कनेक्टिविटी पहले ओएनटी के साथ है, फिर उसके बाद उस ओएनटी के अगले ओएनटी के साथ और उस ओएनटी के उससे फर्दर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट टोपोलॉजी इज द रिंग टोपोलॉजी। इसमें यही जो बस थी या लाइन थी इसको घुमा के स्टार्टिंग पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं तो ये एक रिंग बन जाएगा। लेकिन इसका असूल है कि ये इसके अंदर जो ट्रैफिक फ्लो करेगी वो एक ही डायरेक्शन में करेगी। ऑल्दो कि ये बड़ी हाई स्पीड के ऊपर इसको कर सकते हैं, आप ले जा सकते हैं अगर आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करें। जब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो उसके अंदर कोलिजन के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाए। और इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से एक फॉल्ट, किस जगह पर एक फॉल्ट आया है, उसको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना और उससे रिकवर करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि अगर एक रिंग में किसी एक जगह किसी एक सेंट्रल पोजीशन से, फॉर एग्जांपल एक ओएलटी से एक ओएनयू कनेक्टिविटी हो रही थी और उस ओएनयू की एक साइड के ऊपर जो लिंक है वो कट गया, तो यही वाला सिग्नल जो है वो अब जहां पर वो कटेगा वो आइडेंटिफाई तो फौरन हो सकता है। किस तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो सिग्नल जो है वो इससे इसके अलावा बहुत सारे और जो एक सेट ऑफ ओएनयूज हैं वो डिसकनेक्ट होंगे क्योंकि आपकी मेजर एक डायरेक्शन जा रही है, लेकिन इसको रिकवर करने के लिए आप दूसरी एंड से सिग्नल को भेज सकते हैं। इस तरीके से आप रिंग की प्रोटेक्शन बना सकते हैं। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर डन इन नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लिंक्स, मोस्टली इन नेशनल एंड मेट्रो रिंग्स दिस इज यूज्ड। और इसके अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा बीच में आप कंपोनेंट्स को डालते चले जाएं, यानी कि स्टेशंस को डालते चले जाएं, उससे ओवर परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट इट परफॉर्म्स बेटर देन बस टोपोलॉजी अंडर हैवी ट्रैफिक लोड्स। ये बस टोपोलॉजी से बेहतर परफॉर्म करती है,
जब हैवी ट्रैफिक के लोड्स आते हैं, कोर नेटवर्क में और मेट्रो नेटवर्क में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये एक मेट्रो नेटवर्क की एग्जांपल है। इसके मेट्रो नेटवर्क की एग्जांपल इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसके अंदर OLT और ONUs इस्तेमाल होते हैं। OLT और ONU को ONT भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे ONUs शहर में लगे हैं और ये रिंग से कनेक्टेड है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल रिंग नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल रिंग है। ये दीज आर टू रिंग्स वर्किंग वन एट द सेम टाइम। अगर किसी एक जगह से लिंक ब्रेक हो जाता है, एक लिंक, तो दूसरे रिंग जो कि विच इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन ऑफ डेटा, उसके जरिए कम्युनिकेशन जारी रहेगा। OLT और ONU की जो रिंग्स होती हैं, ये बेसिकली कहाँ काम कर रही होती हैं? ये एक मेट्रो नेटवर्क के अंदर काम कर रही है। लेकिन जब आप एक नेशनल लेवल के रिंग की बात करते हैं या नेशनल लेवल के ऑप्टिकल नेटवर्क की बात करते हैं, तो वो भी रिंग्स की सूरत में जुड़ा होता है। और वहाँ स्टेशंस कौन से होते हैं? SDH और SONET के मल्टीप्लेक्सिंग स्टेशंस, इनमें एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है। वो हर जगह से, हर स्टेशन से ये एक सर्टन डाटा को पिक करते हैं और एक सर्टन डाटा को वो ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो जब आपने मल्टीप्लेक्सिंग की बात की, तो जो दो स्टैंडर्ड्स काम कर रहे हैं दुनिया में, SONET एंड SDH, दीज टू रिंग्स आर, अच्छा, इनको रिंग्स की सूरत में कनेक्ट किया जाता है। अगर आप कोई भी पाकिस्तान का की कनेक्टिविटी को अगर आप स्टडी करेंगे, उसके डायग्राम देखेंगे, तो वो आपको एक रिंग की सूरत में लगेगा, नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, एक रिंग जो है वो लाहौर, मुल्तान, फिर लाहौर फैसलाबाद, मुल्तान, फिर बहावलपुर, फिर वहाँ से बलूचिस्तान में चला जाता है, बलूचिस्तान से फिर ऊपर जो NWFP के सदर्न एरिया की कुछ पोजीशंस होता है, फिर नॉर्दर्न KPK में जाता है, वहाँ से ये फिर एंटर होके इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से होता हुआ वो जो रूट है जिसके अंदर इस्लामाबाद के बाद जेलम और गुजरात, गुजरांवाला, फिर लाहौर पे आके टर्मिनेटर, तो पूरा का पूरा रिंग डाला होता है। और नॉर्मली जब नया एक रिंग डाला जाता है किसी नेशनल लेवल के ऊपर या डोमेस्टिक एक रिंग डाला जाता है, तो वो किसी एक कंपनी की तरफ से डाला जाता है। फॉर एग्जांपल, हुआवे का रिंग है, या अल्कैटेल का रिंग है, या ZTE का रिंग है। तो इस पूरे रिंग के अंदर जितने भी स्टेशंस होते हैं, वो भी उसी कंपनी ने दिए होते हैं, और जो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर जो बिछाई होती है, वो भी उसी ने बिछाई होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो NMS होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो भी उन्होंने दिया होता है। ये अलग बात है कि ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है किसी RNMS, रीजनल NMS या सेंट्रल NMS जो इस्लामाबाद है उसके साथ अलहदा से कनेक्टेड होता है, ताकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पर डिस्प्ले और प्रोवाइड किया जा सके। अब एक SONET या SDS का नेटवर्क है, इट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन एन एज अ रिंग टोपोलॉजी और अ मैश टोपोलॉजी, सो मैश के तौर पे भी लगाया जा सकता है।
डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप रिंग्स की सूरत में सोनेट और एसडीएच को आप लगाते हैं, देन दे बिकम बेसिकली द सेल्फ हीलिंग रिंग्स, क्योंकि एक साइड पर जो एक डायरेक्शन में जो चलने वाली जो ट्रैफिक है वो किसी फेल्योर या डिग्रेडेशन ऑफ लिंक की सूरत में वो दूसरे पाथ के ऊपर वो चल के कम्युनिकेशन कर को इंश्योर कर दे। यानी कि वो एक ऑल्टरनेट पाथ के ऊपर ले जाकर उसको उसको रिकवर कर देते। ये जो ऑल्टरनेट पाथ के ऊपर लेके जाती है उसके लिए ये दो हमारे पास मेथड्स हैं जब सोनेट और एसडीएच को इस्तेमाल करते हैं। टू फाइबर यूनिडायरेक्शनल पाथ स्विच्ड रिंग, इसको टू फाइबर यूपीएसआर भी बोलते हैं। ये टोपोलॉजी की एक टाइप है। इसमें दो फाइबर आपने इस्तेमाल की वो यूनिडायरेक्शनल रिंग है। टू फाइबर यूनिडायरेक्शन पाथ स्विच रिंग। इसके अलावा दूसरा जो तरीकेकार है वो टू फाइबर और फोर फाइबर बाई डायरेक्शनल लाइन स्विच रिंग। टू फाइबर और फोर फाइबर BLSR बाई डायरेक्शनल लाइन स्विच्ड रिंग। इसमें लाइन की स्विचिंग भी हो रही होती और रिंग की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। टू फाइबर यूनिडायरेक्शनल को अगर हम देखें तो इसमें रिसीवर जो है कंपेयर करता है सिग्नल्स रिसीव्ड बाय द प्राइमरी एंड द प्रोटेक्शन पाथ। हर स्टेशन हर रिसीवर के ऊपर दो जगहों से सिग्नल पहुंच रहा है, उनके ये रिंग की सूरत में लगा, तो वो दोनों डायरेक्शंस में से आने वाला जो सिग्नल है उसको कंपेयर करता है हर स्टेशन, और जो उसमें से बेहतर होता है उसको सेलेक्ट कर लेता है। इस केस में ये एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन हमारे पास मौजूद होती है और इसकी स्विचिंग जो है ये ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, क्योंकि एक और ये स्टेशन बेस्ड स्विचिंग है। स्टेशन के पास दोनों डायरेक्शन से सिग्नल मौजूद होता है लेकिन उसकी दो डिफरेंट पोर्ट्स से उसको मिल रहा होता है, वो लगातार दोनों को कंपेयर कर रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि प्राइमरी सिग्नल का जो पाथ है वो उससे आने वाला सिग्नल जो है वो कमज़ोर हो चुका है तो वो उसको ड्रॉप कर देता है और जहाँ से उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुँच रहा होता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि इसके ये एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन है और स्विच ऑटोमेटिकली कर लेता है, और स्विचिंग की डिसीजन कौन करता है, स्टेशन खुद करता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए कि एक हमने एक प्राइमरी पाथ एक फाइबर के ऊपर और दूसरी फाइबर के ऊपर प्रोटेक्शन पाथ दिया हुआ। प्राइमरी पाथ क्या है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार लिंक्स जो हैं ये इन चारों नोड्स नोड 1, 2, 3, 4 को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और लिंक बनाया हुआ और वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन पाथ बना हुआ है 5, 6, 7, 8। तो जैसे नोड 1 और नोड 4 के दरमियान में कनेक्टिविटी प्राइमरी पाथ की
लिंक फोर से है तो इसकी जो प्रोटेक्शन पाथ है वो उसमें लिंक फाइव जो है वो इसको प्रोटेक्शन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक नोड थ्री की बात कर रहे हैं, अगर इसमें से प्राइमरी पाथ किसी जगह से डाउन हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल नोड फोर और नोड थ्री के दरमियान में जो प्राइमरी पाथ था वो डाउन हो गया है. तो क्या होगा कि नोड फोर के ऊपर, नोड फोर को तो उसका रिक्वायर्ड सिग्नल मिल रहा है, लेकिन नोड फोर जो है आगे से स्विच कर देगा टू प्रोटेक्शन पाथ सिक्स. थ्री को वो छोड़ देगा, यानी कि क्योंकि उसमें फॉल्ट आ गया, और वो सिक्स के ऊपर उसको भेज देगा. ठीक है, इस तरीके से. और नोड थ्री के पास ये दोनों सिग्नल्स आते हैं, वो सॉरी ये इस केस के अंदर नोड फोर इसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा, सिंपली नोड थ्री खुद ब खुद ही इन दोनों को कंपेयर कर लिंक थ्री को और लिंक सिक्स को आपस में कंपेयर कर. लिंक थ्री के ऊपर उसको सिग्नल कमज़ोर मिला तो उसने स्विच कर लिया लिंक सिक्स के ऊपर, जबकि जो प्रोटेक्शन पाथ है वो पूरा का पूरा सिग्नल जो है नोड फोर से वो भी लेकर आ रहा था, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन का सिस्टम है. तो दोनों लिंक्स से आपके पास सिग्नल पहुंच रहा होगा. तो इस तरीके से ये काम. अब हम देखते हैं हमारे पास फोर फाइबर बाई डायरेक्शनल लाइन स्विचिंग रिंग वो कैसे काम करता है. ये एक नोड वन टू थ्री और फोर को कनेक्ट करते हुए फोर फाइबर्स कनेक्ट कर रहा है. प्राइमरी टू फाइबर बाई डायरेक्शनल लूप इसके अंदर क्रिएट हो. ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी, फिफ्थ प्राइमरी, फर्स्ट प्राइमरी. अगर बिल्कुल आप आउटसाइड पे देखें तो प्राइमरी लिंक जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लिंक्स जो हैं ये चारों नोड्स को आपस में कनेक्ट कर. इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिंग चल रहा है विच इज फाइव प्राइमरी एट प्राइमरी फाइव प्राइमरी देन एट प्राइमरी सॉरी एट प्राइमरी देन सेवन देन सिक्स. बेसिकली फाइव सिक्स सेवन एट है, लेकिन इनकी डायरेक्शन फाइव एट सेवन सिक्स इस तरह से इसकी लिंग. ठीक है, और एक और इसके अंदर रिंग मौजूद है जो कि सेकेंडरी टू फाइबर बाई डायरेक्शनल प्रोटेक्शन लूप है. उस वो कहाँ से फर्स्ट सेकेंडरी सेकेंड सेकेंडरी थर्ड सेकेंडरी फोर्थ सेकेंडरी और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए फिफ्थ सेकेंडरी एट सेकेंडरी सेवन सेकेंडरी एंड सिक्स सेकेंडरी इस तरीके से इसको प्रोटेक्शन लूप है. अब बाई डायरेक्शनल की प्रोटेक्शन किस तरह से होती है. इफ बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कट स्टिल द कनेक्शन इज नॉट लॉस्ट बट बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फाइबर्स ऑफ द एंटायर रिंग आर ऑक्यूपाइड. ठीक है, अगर वो कट भी जाए एक जगह पर, प्राइमरी भी कट जाए सेकेंडरी भी कट जाए, तब भी कनेक्टिविटी हमारी इसमें जारी रहती है. In case of failure, the secondary fiber between only the affected nodes are used. The other links remain unaffected. The
सिर्फ जहाँ पर इफेक्टेड लिंक है उसके इर्द गिर्द की जो नोड्स हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन स्विचिंग टेक प्लेस करती है, बाकी रिंग के अंदर कोई असर नहीं होता। अब अगर आप एक जेनेरिक सोनेट या एसडीएच के नेटवर्क को देखें उसमें मल्टीपल बाई डायरेक्शनल लिंक्स बने हुए होते हैं। बाई डायरेक्शनल लिंक्स नॉर्मली बड़े सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए या डोमेस्टिक रिंग्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और वो जो लिंक्स होते हैं वो एसटीएम 64 के या एसटीएम 16 के लिंक्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सोनेट का की कनेक्टिविटी नेटवर्क शो किया जा रहा है कि एक रिंग जो है OC192 का लिंक है जो कि 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है। ये फर्दर आगे एक 2.5 गीगाबिट्स पर सेकंड के एक लिंक के साथ कनेक्टेड है जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ के अपने मल्टीप्लेक्सर्स। अब एक सिटी का मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक शहर के अंदर किस तरह से आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब वो आ जाता है OC12 के ऊपर यानी 622 Mbps के लिंक लेवल के ऊपर आ जाता है। उसके आगे बस टोपोलॉजी हो सकती है, आगे किसी ट्री की सूरत में आगे कनेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक लीनियर चेन अलहदा से दिखाई गई और एक लोकल एरिया को अलहदा से दिखाया गया कि आगे से उसकी कनेक्टिविटी एक 155 Mbps के यूनिडायरेक्शन रिंग के साथ। उसके साथ जब उन्होंने लिंक किया एक नोड के ऊपर उसको लिंक कर रहे हैं OC12 को और 155 Mbps का एक यूनिडायरेक्शनल रिंग यहाँ पर कायम किया। तो इससे हमें ज़ाहिर होता है कि जब हम एक विद इन द सिटी या मेट्रो रिंग्स बनाते हैं तो वो यूनिडायरेक्शनल बना सकते हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल के रिंग्स बनाते हैं तो वो आपको बाई डायरेक्शनल बनाना है। लेकिन आजकल के दौर में जब डेटा की रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोकल लेवल पर भी जो रिंग्स हैं वो बाई डायरेक्शनल बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पावर की बजटिंग हम कैसे करते हैं, लिंक की बजटिंग कैसे करते हैं। दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, एक तो उसकी अटेन्यूएशन को जिसकी मदद से आप पावर की बजटिंग करते हैं, दूसरी चीज़ क्या है उसकी डिस्पर्शन को हमें देखना पड़ेगा जिसकी मदद से आप बैंडविड्थ का बजट उसके अंदर बना सकते हैं। एक सर्टन बैंडविड्थ उसके ऊपर लोड करने के लिए करने से पहले आपको उसका बैंडविड्थ का बजट देखना है। अगर इसमें एक सर्टन डाटा रेट के ऊपर डिस्पर्शन ज़्यादा आ रही है तो आपको डाटा कम्युनिकेशन का रेट रिड्यूस करना पड़ेगा। पावर बजट को देखें तो बेसिकली आपने इसको अकाउंट फॉर करना होता है सारे पावर्स को कि कहां पर गेन्स हैं और कहां पर लॉसेस हैं। लॉसेस कहां हो सकती हैं, अगर फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर में देखें तो एक तो उसमें डिस्टेंस का लॉस है कि जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा उसके अंदर लॉस आता जाएगा। लेकिन जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम साथ साथ में ज़रा देखते चलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में एक और ख़ास किस्म का लॉस आ जाता है विच इज़ कॉल्ड द फ्री स्पेस लॉस। यानी कि अगर स्पेस बिल्कुल खाली हो और एक
वायरलेस सिग्नल को रोकने के लिए कोई बीच में एटमॉस्फेयर मौजूद ना हो, तब भी उसके अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ अटेन्यूएशन आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि वो सिग्नल जो है वो फैल जाता है। जब वो फैल के रिसीवर तक पहुंचेगा तो रिसीवर तक तो एक्चुअल सिग्नल का एक बहुत थोड़ा सा पोर्शन पहुंचा ना, लेकिन इस तरह का मसला जो है ये ऑप्टिकल फाइबर में तो नहीं होता। बस ये है कि जिस वक्त ये एंटर हो रहा होता है सिग्नल फ्रॉम अ सोर्स इनटू द फाइबर, या जहाँ पर कोई भी मतलब मैकेनिकल स्प्लाइस होता है या कनेक्टर होता है, तो बीच में एक एयर इंटरफेस आता है। इस एयर इंटरफेस के अंदर सिग्नल फैल कर दूसरे एंड के ऊपर पहुँचता है, उसमें कुछ सिग्नल जो है इर्द गिर्द से ज़ाया हो जाता है, तो सारा का सारा सिग्नल अगले सेक्शन में नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो इसकी फैलाव की वजह से कुछ सिग्नल जो है हमारा ज़ाया होता है। लेकिन ये जो फ्री स्पेस लॉस है ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। अगर हम जेनेरिक एक इसका फॉर्मूला बनाएं तो रिसीव्ड पावर इन डीबीएम्स, अब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, वुड बी इक्वल टू द ट्रांसमिटेड पावर इन डीबीएम्स प्लस गेन्स माइनस द लॉसेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉसेस का तो मैंने बता दिया कि लॉसेस क्यों होते हैं, लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर जो कि ट्रैवर्स करके जाना है ऑप्टिकल सिग्नल, वो लॉस प्रोड्यूस करता है। फिर जितने स्प्लाइसेस हैं वो लॉस प्रोड्यूस करते हैं, जितने कनेक्टर्स हैं वो लॉस प्रोड्यूस करते हैं। तो गेन्स कहाँ से आए? गेन्स भी होते हैं, गेन्स को एम्पलीफायर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपने एम्पलीफायर्स के चैप्टर में आपने देखा था, तीन किस्म के आप एम्पलीफायर्स मामले इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पावर एम्पलीफायर, इनलाइन एम्पलीफायर और प्री एम्पलीफायर। ठीक है, तीनों के गेन्स को आप जमा कर दें तो इस फॉर्मूले के अंदर आप फिटिंग कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड पावर नॉर्मली फॉर लेजर डायोड्स इज 0 dBm। 0 dBm का मतलब ये नहीं कि जीरो पावर है, ये 1 mW को हम 0 dBm बोलते हैं। अब डिजायर्ड लिंक का क्राइटेरिया क्या है कि हमने किस तरह का लिंक प्रोड्यूस करना है, कैसा लिंक प्रोड्यूस करना है जिसमें रिसीव्ड पावर जो है वो मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसीवर से ज्यादा हो या बराबर हो। अच्छा, ये जो मिनिमम पावर है सिग्नल तो उससे कमजोर भी आएगा। फॉर एग्जांपल -23 दिया हुआ है एक पिन डायोड को। अब ये हो सकता है कि -23 जो डीबीएम से कमजोर सिग्नल पहुंच रहे -30 dBm तक पहुंच रहे, तो हम ये नहीं कि उसको सिग्नल रिसीव नहीं होगा या सिग्नल आगे काम नहीं करेगा, वो आगे काम भी करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन वो जिस तरह से सिग्नल रिसीव करेगा उसमें इतनी एरर्स होंगी, क्योंकि सिग्नल कमज़ोर है उसमें इतनी एरर्स होंगी कि उसका बिट एरर रेट जो है एक सर्टन मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस सूरत में हम इस लिंक को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिसीव पावर जो है वो किसके बराबर होती है? ट्रांसमिटेड पावर जो कि लेज़र सोर्स ने भेजी, उसमें से आप लॉसेस जितने भी हैं ड्यू टू द लेंथ, ड्यू टू द स्लाइसेस, ड्यू टू द कनेक्टर्स, उसको आप माइनस कर, फिर उसके अंदर गेन्स ऐड कर दें, गेन्स ड्यू टू एम्पलीफायर्स।
फिर उसमें से एक सर्टन अमाउंट ऑफ मार्जिन आपने रखा होता, उसको माइनस कर, मार्जिन आपने फ्यूचर के लिए रखा होता। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एक दफ़ा आपने लिंक बना दिया और वो लिंक काम कर रहा है, तो इजाफी आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत क्या है। मार्जिन इसलिए रखा जाता है कि वक्तन फॉर वक्तन केबल के अंदर ब्रेकेज आ सकती है ड्यू टू अननोन रीजंस, कहीं से किसी ने खुदाई की और उसने वो केबल को काट दिया। अब वो काट दिया तो वो लामोहला वहाँ पे आपको एक स्प्लाइस लगाना पड़ेगा। एक स्प्लाइस आप तब लगा सकते हैं अगर आपके पास केबल लूज हो, जो कि नॉर्मली नहीं हो, तो आपको बीच में एक पीस डालना पड़ता है क्योंकि दोनों एंड्स के ऊपर कनेक्ट कर। तो जब आप पीस डालते हैं तो आप दो स्प्लाइसेस को ऐड करते हैं। एक स्प्लाइस ने 0.2 dB इसके अंदर अटेन्यूएशन ऐड की, तो दो स्प्लाइसेस ने 0.4 dB का। कुछ अर्से बाद एक और हो गया कनेक्टर, एक और ब्रेकेज हुई, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा ओवरऑल लिंक का जो जो अटेन्यूएशन है ओवरऑल वो बढ़ता चला जाएगा। इसको केटर करने के लिए एक पावर मार्जिन बीच में डाला, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 dB। वॉट इट डज इज के ये 6 dB का हमारे पास मार्जिन है, और अगर आ जाए कोई और सिग्नल और कटौती हो जाए, किसी जगह से केबल कट गई तो और वहाँ पे आपको एडिशनल स्प्लाइसेस करने पड़े और उसकी वजह से आपका जो बढ़ गया, या किसी एक जगह पर से आप जहाँ से आपका लिंक गुजर रहा था वो आपको किसी वजह से रिप्लेस करना पड़ा, किसी दूर या दूर पार से होके अपनी केबल को गुजारना पड़ गया और डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से फिर क्या चीज़ बढ़ी, लॉसेस बढ़े। तो ये अननोन चीज़ों को, अननोन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए आप 6 dB का एक मार्जिन इसके अंदर रख लेते हैं। तो टोटल लॉसेस क्या होते हैं, इंसर्शन लॉस जो कि कनेक्टर की वजह से आ सकता है, और जिस एक लाइन जिस वक्त आगे कनेक्ट हो रही है तो उसमें कितनी पावर आगे जा रही है, फिर फाइबर लॉस कि कितने लेंथ पे गुजरा तो फिर इस फाइबर के अंदर इस फाइबर के कितना लॉस हो, फिर कनेक्टर लॉस, फिर नॉन लीनियर लॉसेस भी हैं। नॉन लीनियर लॉसेस क्यों हुआ, वो दे आर बेसिकली ड्यू टू एम्पलीफायर्स और अदर कंपोनेंट्स। अगर पावर ज़्यादा हो जाए तो हमारा सिस्टम जो है वो उसको उसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पा, उस सिग्नल को उस तरह से हैंडल नहीं कर पा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप गेन लेते हैं तो उसमें एक तो एम्पलीफायर लेते हैं तो उसमें एक तो एम्पलीफायर अपना गेन होता है और एक नॉन लीनियर गेन भी होता है ड्यू टू नॉन लीनियरिटी ऑफ कंपोनेंट्स आप उसको लेते हैं। कॉमन पावर बजट वैल्यूज आप देखते हैं, अगर 0 dBm है ये टिपिकल लेज़र की पीक आउटपुट है। इसी तरह इसने एक एग्जांपल दिया -13, ये -23 पर भी काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लिए कौन सा बिट एरर रेट जो है वो एक्सेप्टेबल है। और टाइप्स ऑफ पिन रिसीवर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 μW पावर है जो कि -13 dBm के अंदर रिप्रेजेंट होती है। APD की सेंसिटिविटी जब आप देखेंगे इट वुड बी -30 dBm और 1 μW। और टिपिकल LED की पीक आउटपुट LED सोर्स की That would be 100 nanowatts or -40
dBm's, ये इसकी पावर है। लेज़र की जब आप पावर की बात करते हैं तो वो 0 dBm से स्टार्ट होती है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली अटेनुएशन की और पावर की बजटिंग की, अब बैंडविड्थ की बजटिंग की बात करें। ये चीज़ें आप पहले देख चुके हैं, लेकिन अब इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे इस्तेमाल करें। जिस तरह पीछे हम पावर्स को देख रहे थे और डीबीज को देख रहे थे और वॉट्स को देख रहे थे, यहाँ हमारे लिए जो करेंसी है वो बेसिकली राइज टाइम्स है। अब हमने तीनों राइज टाइम्स देखे हैं पिछले अपनी पढ़ाई में, कि ट्रांसमीटर का अपना एक राइज टाइम होता है, फाइबर का अपना राइज टाइम होता है और रिसीवर का अपना राइज टाइम। आप टोटल राइज टाइम निकाल लें, जो कि अगर सिर्फ और सिर्फ फाइबर का निकालें, ठीक है, तो वो दैट वुड बी इक्वल टू डी इंटू डेल्टा लैम्डा इंटू एल। इसमें डी डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है एट दैट पर्टिकुलर वर्किंग वेवलेंथ, डेल्टा लैम्डा इज द स्पेक्ट्रल विड्थ एंड एल इज द फाइबर लेंथ। ट्रांसमीटर का राइज टाइम जो है इज नॉर्मली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, एंड सिमिलरली रिसीवर राइज टाइम इज ऑल्सो गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। अब तीनों राइज टाइम्स को हमने इकट्ठा करें, ट्रांसमीटर का राइज टाइम इसका स्क्वायर प्लस रिसीवर राइज टाइम इसका स्क्वायर प्लस फाइबर राइज टाइम इसका स्क्वायर, होल अंडर रूट इनटू 1.1, दिस वुड गिव अस द सिस्टम राइज टाइम। ठीक है, इसकी मदद से हमने कैलकुलेशंस करनी। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक है जिसके अंदर दो अदर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स इस्तेमाल हो, एम्पलीफायर्स क्या करते हैं बीच में यानी कि नॉन लीनियरिटी भी ऐड कर देते हैं और डिस्पर्शन ऐड कर देते हैं। डिस्पर्शन ऐड करने से क्या होता है कि जो पीछे से सिग्नल आ रहा था जो कि प्योरली एक स्क्वायर वेव की सूरत में था, उसको इसने जो है डिस्पर्स कर दिया। और अब ये जो डेल्टा टाओ आप इस्तेमाल करें दैट विल बी टी डैश माइनस कैपिटल टी। और इस सब का असर जो है बेसिकली राइज टाइम का असर किसके ऊपर आता है, कि पल्स विड्थ पे आता है। पल्स विड्थ पे क्या चीज डिपेंड करती है, बिट रेट। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम बिट रेट दैट दिस सिस्टम कैन हैंडल। अगर इसको इस तरह से लें कि टोटल सिस्टम का राइज टाइम है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.7 टाइम्स द पल्स विड्थ। ठीक है, सिस्टम का राइज टाइम जो है वो कम होना चाहिए, पल्स विड्थ को एक्चुअली बढ़ा रखना चाहिए। नॉर्मली ये तो 3 times or 4 times तक रखा जाता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 70% इसको रख रहे हैं सिस्टम के राइज टाइम, वरना 70% की बजाय 25% तक इसको रखा जा सकता है। पल्स विड्थ वुड बी इक्वल टू 1 over बिट रेट फॉर एनआरजी नॉन रिटर्न टू जीरो के अंदर और रिटर्न टू जीरो के अंदर के सिस्टम्स के अंदर 1/2 times द बिट रेट आप जब करेंगे, दिस वुड गिव यू पल्स विड्थ। इसकी एक एग्जांपल अगर आप चाहें तो आई विल सेंड यू एन एग्जांपल आल्सो। इसके एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो देख लीजिएगा, मैं एक असाइनमेंट कल आपको दे दूंगा। आज के दिन इतना ही, और कल हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे और बाकी इसका जो है असाइनमेंट वो मैं आपको कर दूँगा, एंड देन वील स्टार्ट अप विद
HFC। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।